हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। हाउ आर यू ऑल? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सो गाइस, इंद्रजीत सर फिर से आ गए हैं विद द मस्ट डू प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बढ़िया क्वेश्चन लेके आए, एकदम तगड़े मजेदार। ठीक है बच्चा जी, जुड़े रहिएगा एंड तक, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे हम। ठीक है, जिनके लिए मैं नया उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह, आप मुझे बुला सकते हैं आईएएस भैया, हैविंग 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अरे भाई बहुत सारी है, लेकिन हर बार इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज मैं हर बार यही कहता हूं, क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स इन टू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। बस एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया और फिजिक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने रख के एग्जाम्पल को सॉल्व करके उसको क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चा जी, तो यही है इंपॉर्टेंट चीज। चलिए आगे देखते हैं गाइस। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दिखती है टेलीग्राम ऐप। आप इसको डाउनलोड कीजिए, ब्राउजर में जाइए और लिंक को एंटर कीजिए tinyurl.com/neetlivechat। थ्रू दिस यू कैन हैव एक्सेस टू अस द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। ओके गाइस, सी बहुत बेहतरीन चीज है tinyurl.com/neetmobile। समझ में आ रहा, पूरा खजाना अनअकैडमी का, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आपको मिल जाएगा। बस इस लिंक को एंटर कर दीजिए। बायोलॉजी का खजाना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एट द सिंगल क्लिक प्रेस प्ले। ठीक है बच्चा जी, देखिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पे टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आर टेकिंग द लाइव क्लासेस, राइट? वी आर इंटरेक्टिंग विद द एजुकेटर्स। उसके बाद क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइव पोल्स एंड लीड बोर्ड। क्या है ये? आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करो और जानो क्लास में रैंक क्या है। दूसरा, टेस्ट सीरीज से जानो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप कितना बेहतरीन स्कोर कर रहे हो, और नेक्स्ट जहां पढ़ रहे हो वहां पे आप ले सकते हो डाउट क्लियरिंग सेशन। द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आर टेकिंग द लाइव डाउट्स। ठीक है बच्चा जी, सी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, स्ट्रेटेजी कोर्सेज चल रहे हैं, कैप्सूल कोर्सेज चल रहे हैं, डिटेल कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है बच्चा जी, बस आपको जुड़ने की देरी है। ऑल आर वेटिंग। क्लियर है बच्चा जी, ऑल आर वेटिंग। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि जुड़ना कैसे है। तो कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना, उसको इंस्टॉल करना है बच्चा जी। फिर क्या करना है गाइस, प्लस को सिलेक्ट करना है, नीट को सिलेक्ट कर देना है और बच्चा जी कर देना है सब्सक्राइब, कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, अब ध्यान से, जो नीट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं और नीट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, और बस ये कोड यूज करना है, इमीडिएटली मिल जाएगा 10% ऑफ डिस्काउंट। क्या मिल जाएगा? इमीडिएटली 10% डिस्काउंट। ठीक है बच्चा जी, हाँ है ना। और जो हमारे नीट 2020 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आइए चेक कीजिए, देखना जरूरी बनता है, है ना, देखना जरूरी बनता है। ठीक है बच्चा जी, और प्राइस ड्रॉप भी, और वो कुछ हो कॉस्ट ईएमआई 0%, हाँ कुछ तो है यार, एक बार तो चेक करना बनता है। ठीक है, चलिए ध्यान से, इस कोड को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इज लाइव टू गेट 10% ऑफ। चलिए आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मस्ट डू प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चा जी, मस्ट डू प्रॉब्लम्स। चलिए एज पर अवर ट्रेडिशन पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हायाना। अरे यार हायाना तो बोला ही नहीं, इस बार शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सी ध्यान से देखिएगा, एज यूजुअल मैं स्टार्ट कर रहा हूं काउंटडाउन। ठीक है ना, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं काउंटडाउन। ठीक है बच्चा जी, काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं, और ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, एक मिनट से भी कम, यार एक मिनट से बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। 50 सेकेंड भी हमको ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा दे दिए हैं, 50 सेकेंड हमने ज्यादा दे दिए हैं। ठीक है बच्चा जी, 50 सेकेंड भी हमने ज्यादा दे दिए हैं, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ, कुछ नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ढूंढना है और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ढूंढना है एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा जी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, क्लियर बा? बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान से देखिएगा। दस सेकेंड से भी कम पड़े हैं, चलिए कुछ नहीं है, तुरंत इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके सी टाइम्स अप।
हमें डायमेंशनल फॉर्मूला को याद करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके गाइस, मैग्नेटिक मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं बच्चा जी, ठीक है? हाँ है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, राइट, क्लियर है? तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का अगर आ रहा है तो किस तरीके से ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आई इंटू ए, और एंगुलर मोमेंटम की होती है एम वन एल टू टी माइनस वन, ठीक है, एम वन एल टू टी माइनस वन। तो इसको हम रिजोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए वन एल टू होल डिवाइडेड बाय एम वन एल टू टी माइनस वन। तो ये कट गया, समझ में आ रहा है, ये कट गया बच्चा जी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा बच्चा जी, आंसर क्या आ जाएगा, एम टू द पावर माइनस वन ए वन टी वन, ये हमारी आंसर आ जाएगी इसकी रेशियो की, ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आएगा ए, ए हमारा आंसर रहेगा, ठीक है बच्चा जी, क्या आंसर रहेगा, ए, क्लियर है, क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कार्स ट्रेवलिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन तुम लोगों ने किया हुआ है, हो जाएगा, ठीक है ना? अगर आप काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा जी। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया, चलिए नाइस, है ना, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है, तुरंत आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना। अगर देखो अलग इंडिविजुअल दो बार काइनेमेटिक्स लगाते हो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिसका रिलेटिव पक्का है तो वो रिलेटिव से जाके इसको तुरंत सॉल्व कर सकता है, जिसका रिलेटिव पक्का है वो रिलेटिव से जाके तुरंत इसको सॉल्व कर सकता है, क्लियर है? रिलेटिव से जाके तुरंत इसको सॉल्व कर सकता है, क्लियर है बच्चा जी, क्लियर है, नाइस। चलिए नियर लेसन 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 10 seconds आर रिमेनिंग, ठीक है, चलिए जुड़ जाइए फटाफट, है ना, और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बुलाइए, चेक कीजिए कि कितना आता है, क्या है, किस तरीके से, समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना, सबको बुलाने का लेकिन बताने का नहीं कि कितना आता है, ठीक है, खुद जान लेगा, खुद जान लो, ठीक है। चलिए सी, दो कार्स है, दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक 10 और एक 20। सी मान लो ये है 10 मीटर पर सेकेंड में ट्रेवल कर रही है और ये ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं उस इंस्टेंस की बात कर रहा हूं, अब मैं उस इंस्टेंस की बात कर रहा हूं जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर। अब इस वक्त तुरंत वो लोग रिटार्ड होना स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी रिटार्ड हो रही है 2 per meter second square से और ये भी रिटार्ड हो रहा है 2 meter per second square से। चलिए बहुत बढ़िया, अरे यार ये तो बहुत सिंपल सी हो गया, कुछ नहीं है। अगर आप इसको इंडिविजुअल काइनेमेटिक्स लगाते हो तो दोनों के स्टॉपिंग डिस्टेंस को आप कैलकुलेट, मान लो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया S1, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया S2, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 150 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन रिलेटिव से और आसान हो जाएगा, देखो कैसे, रिलेटिव से अगर मैं u12 कहता हूं 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, देन इट इज 30 मीटर पर सेकेंड, a1 विद रिस्पेक्ट टू 2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी फाइनल रुकने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0, फाइनल रुकने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और s12 तो हमें ढूंढना ही है, समझ में आ रहा है, ये तो हमें ढूंढना ही। अब देखिए सिंपल सी चीज है, क्या v12² - u12² इज इक्वल टू 2 × acceleration of 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, s1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहां से फाइनल 0 आ गया, u1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 × acceleration 4 × s1 of 2, तो s1 of 2 हमारा कितना आ जाएगा, u हमारा कितना हो जाएगा बच्चा जी, 10 और 12 है, ठीक है बच्चा जी, तो ये हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 22 × 22 whole divided by 2 × 4, तो 2 11 2 11 and that is 2, सो s12 आपका हो जाएगा कितना, 121/2, s12 कितना, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, इतना डिस्टेंस ये दोनों का s12 मतलब दोनों का मिला के स्टॉपिंग डिस्टेंस आया है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, When they both stop, how far they are apart? तो कुछ नहीं है, 150 - 121/2, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 300 - 121/2, समझ में आ रहा है बच्चा जी, 300 - 121/2, सो दैट इज 179/2, और ये आंसर आ जाएगा करीबन 89.5
मीटर के अराउंड, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 89 पॉइंट समथिंग, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं, आपके पास एक मिनट है। काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं, आपके पास एक मिनट है बच्चा जी, ठीक है। और ये कर दिया काउंटडाउन स्टार्ट, चलिए इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूं जैसे तुम लोगों को एफबीडी दिखे, है ना, आया ना एफबीडी दिखे। देखो कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है, सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। नाइस 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 नाइस, ध्यान से जुड़े रहिएगा। चलिए कुछ नहीं है, लेस देन 30 सेकेंड आ रिमेनिंग, खाली तरीके से आपको एफबीडी ड्रॉ करनी है, तरीके से आपको एफबीडी ड्रॉ करनी है। टेंशन की वैल्यू दे दी हुई है 50 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है, एम की भी वैल्यू दे दी है 15 केजी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है। एफबीडी ड्रॉ करेंगे ना तुरंत आ जाएगा फटाक से, एफबीडी ड्रॉ करेंगे तुरंत आ जाएगा फटाक से। चलिए टाइम खत्म हो गया, सी एफबीडी इसकी देखते हैं, हाय ना, ध्यान से देखिएगा। तो इसकी एफबीडी में क्या आता है, देखो मान लो ये हो गया आपका एम, समझ में आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा क्या, एम जी साइन ऑफ 45, क्लियर है, एम जी साइन ऑफ 45। मैं इसकी एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा जी, एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये हो गया एम जी साइन ऑफ 45। अब ध्यान से देखिएगा, ये टेंशन है ना, ये टेंशन है ना, समझ में आ रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट, यहां वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी बटा रूट टू, 45 है कोई भी ले लो, टी बटा रूट टू। अब ध्यान से देखिएगा, मान लो टेंशन नहीं होता तो नीचे आता, ये ब्लॉक कहां आता, नीचे, तो फ्रिक्शन उसको रोकने की ट्राई करता कहां, ऊपर, फ्रिक्शन कहां रोकने की ट्राई करता, ऊपर। अब देखो एन यहां आ जाएगा, जो हो जाएगा क्या, एम जी साइन ऑफ, सॉरी एम जी कॉस ऑफ 45। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो टी बटा रूट टू प्लस म्यू ऑफ एन दैट इज इक्वल टू एम जी बटा रूट टू, इक्वेशन नंबर वन। अब ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ 45, समझ में आया, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। रिजॉल्विंग वन एंड टू, रिजॉल्विंग वन एंड टू, म्यू आपका करीबन करीबन 0.5 के आसपास आएगा, म्यू आपका करीबन करीबन किसके आसपास आएगा, 0.5 के आसपास आएगा। तो यहां पे हमारे कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, दिस इज माय आंसर। क्या आ जाएगा बच्चा जी, हाफ, दिस इज माय आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। हाँ ना, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अरे कुछ है, इसको दो तीन तरीकों से कर सकते हो, हाँ ना, ठीक है ना। अगर आप गैलीलियो लॉ याद है आपको, गैलीलियो लॉ अगर याद है आपको तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको गैलीलियो लॉ याद है तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, चलिए जुड़े रहिए, ठीक है ना। कुछ रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, चलिए रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, चलिए बहुत बढ़िया, लेस देन 20 सेकेंड्स आर रिमेनिंग, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज, ध्यान से करिएगा फटाफट फटाफट फटाफट, एवरीथिंग विल गो ऑन। चलिए नाइस, टॉप ऑफ द टावर, गैलीलियो लॉ है, गैलीलियो लॉ डायरेक्ट भी बता दूंगा और एक बार लंबे तरीके से भी अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सी वर्क डन इन बाय ग्रेविटी, सी मैं वर्क डन सी सिंपल सी फॉर्मूला, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। अब फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, मतलब ये वन हो जाएगा, तो वर्क डन की फॉर्मूला हमारी एफ इंटू डी आएगी। फोर्स कौन कर रहा, कौन सा फोर्स है, एम जी, मतलब भाई ये एम जी डी आ गया, ये वर्क डन आपका हो जाएगा। अब वर्क डन इन फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या मैं लिख सकता हूं, डब्ल्यू वन इज टू डब्ल्यू टू इज टू डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू वन इज टू डब्ल्यू टू इज टू डब्ल्यू थ्री, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्या करना है, कुछ नहीं है, हाँ ना, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। डिस्प्ले mg तो कांस्टेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जैसे बदलेगा वैसे वर्क डन का रेशियो बदलेगा। इसका मतलब अगर मैंने d1 d2 d3 ढूंढ लिया तो सिंपल सी चीज है। सी अब ध्यान से देखना, ये हो गया टॉप ऑफ द टावर, ये h है। अगर मैं d1 की बात कर रहा हूं
तो वो क्या हो जाएगा, डी वन दैट इज इक्वल टू यू जीरो हाफ जी टी वन स्क्वायर, हाफ जी टी वन स्क्वायर। अगर आप गैलीलियो लॉ याद करते हो तो डी वन डी टू और डी थ्री इसका जो रेशियो आता है बाय गैलीलियोज लॉ दैट इज इक्वल टू 1:3:5, इस तरीके से सीरीज बढ़ती जाती है 1:3:5। अगर यू जीरो है तो, यू जीरो है तो, अगर यू कुछ दोगे तो ये रेशियो फिर बदलता जाएगा। मान लो यू 10 ले लिया, समझ में आ रहा है, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:5:7। यू 20 ले लिया तो रेशियो हो जाएगा 5:7:9, समझ में आ रहा है, हाँ ना। ये गैलीलियो लॉ है, सीधा दिया हुआ है बुक में, चेक कर लेना, सीधा बुक दिया हुआ है और इसका करीबन इंट्रोडक्शन एक तरीके से एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेशियो, ये डिस्टेंस में, अगर आपको ध्यान से देखना है तो पहले सेकेंड में डी1 आता है जी बटा दो, ठीक है। डी2 कितना हो जाएगा, पूरा दो सेकेंड, दैट इज हाफ इंटू जी इंटू चार, तो 4g/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो पहला आ गया कितना 5, दूसरा आ गया 15, तीसरा आ गया 25, तीनों का रेशियो देखो 1:3:5 आ गया, क्लियर है ना। तो यहां पे हमारा वर्क डन का क्या आ जाएगा, रेशियो 1:W1:W2:W3 दैट इज इक्वल टू रेशियो वुड बी 1:3:5, ये हमारा आंसर आएगा। मैंने तरीके से भी बता दिया, गैलीलियोज लॉ से भी बता दिया, ठीक है, तरीके से भी बता दिया, गैलीलियो का जो लॉ है ना उससे भी बता दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चा जी, 1:3:5 सी आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक मिनट से भी कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा, एक मिनट से भी कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए। कुछ कोलिजन का क्वेश्चन है, रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ढूंढनी है, कोलिजन का क्वेश्चन है, रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ढूंढनी है, क्लियर है। कोलिजन का क्वेश्चन है और रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ढूंढनी है, क्लियर है बच्चा जी, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, तुरंत आ जाएगा, उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आ जाएगा। पहला कुछ कोलाइड कर रहा है दूसरे के साथ, बढ़िया है भाई, कोलाइड कर रहा है तो करो, बहुत बढ़िया है, करो और बेहतरीन तरीके से, लेस देन हाफ, ठीक है, हाँ ना। चलिए बहुत बढ़िया, जुड़े रहिएगा बच्चा जी एंड तक, बहुत सारे अच्छे 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 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, 1000+ लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, ठीक है बच्चा जी, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा। सी अ बॉल वन कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट द रेस्ट शोन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल बिकम्स 2 times आफ्टर द कोलिजन। सी अगर मैं कंजर्वेशन लगाता हूं, कोलिजन में तो मोमेंटम कंजर्व ही होता है, तो एम ऑफ वी दैट इज इक्वल टू एम ऑफ वी वन प्लस एम ऑफ वी टू। अब v2 is a velocity of the second ball after collision, जो twice of one आ रही है, तो v is equal to 3v1 हो जाएगा, तो v1 आपका कितना हो जाएगा, v by 3, equation number 1, v1 कितना आ गया, v by 3। अब coefficient of restitution क्या होती है, velocity of separation by velocity of approach, that is equal to v2 minus v1 whole divided by u1 minus u2, u2 तो 0 हो गई, v2 minus v1 whole divided by v, तो ये क्या हो जाएगी बच्चा जी, ये क्या हो जाएगी v1 by v, so that is equal to v by 3 into v, ये क्या हो जाएगा, restitution मेरा आया 1/3, restitution क्या आया बच्चा जी 1/3, तो मेरा guys यहां आंसर क्या आएगा, a 1/3, ठीक है बच्चा जी। लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, बिल्कुल कंजूसी नहीं, ठीक है, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए गाइज ध्यान से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यार ये तो कुछ देखा हुआ है इस तरीके का, हाँ है ना, ये तो इस तरीके का कुछ देखा हुआ है, चलो सीधा सीधा आ जाएगा, शुरू कर देते हैं, लेस देन 1 minute यू आर हैविंग, ठीक है बच्चा जी, नाइस। ओके गाइज लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, ना इसमें कंजूसी मत किया करो, इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लेके आते हैं, तो तुम लोग लाइक्स को नहीं प्रेस करोगे, थम्स अप, हाया ना, अरे मजाक कर रहा था, हाया ना, करते रहना, ठीक है ना, लाइक्स को प्रेस करते रहना। ओके चलिए गाइज बहुत बढ़िया,
टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अरे क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. अरे अदर द सैटेलाइट इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 times फ्रॉम द रेडियस ऑफ द अर्थ. बहुत बढ़िया भाई, दो प्लेनेट है, एक की आर है, एक का 3R है, एक का आर है और एक का 3R है, दोनों के सरफेस के नजदीक. केपलर नहीं, एंगुलर मोमेंटम नहीं, नहीं 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 केपलर नहीं, एंगुलर कंजर्वेशन केपलर. चलिए देख लेते पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. सीधा अगर सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रही है तो बाय केपलर्स थर्ड लॉ, बाय केपलर्स थर्ड लॉ, समझ में आ रहा है, मैं केपलर के तीसरे लॉ की बात कर रहा हूं. कैन आई से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, समझ में आ रहा है. हाँ यान, अब ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है. क्या मैं कह सकता हूं, सी द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट एंड द डिस्टेंस 3. पहले की जो प्लेनेट है, पहले का जो है, समझ में आ रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या है. सी टी वन कैन आई से स्क्वायर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वन क्यूब. सिमिलरली टी टू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू क्यूब. इसको इक्वेशन वन दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया. रेशियो ऑफ वन बटा टू, रेशियो ऑफ वन बटा, सो दैट इज इक्वल टू आर वन क्यूब बटा आर टू क्यूब. अब देखो यहां पे क्या है, डिस्टेंस इज 3 times एज ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके डिस्टेंस 3 times द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसमें कुछ उसमें डेंसिटी सेम रखनी है तो मास में फर्क नहीं पड़ेगा. मास में नहीं फर्क पड़ेगा, हाँ या ना, मास में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना. मेरे हिसाब से तो लग रहा है इसमें मास में फर्क पड़ेगा. तो किस तरीके से ध्यान से देखते हैं, तो ये रिलेशन के अलावा, चलिए ध्यान से देखते हैं रिलेशन क्या आएगा. अगर रेडियस हो रही है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना, इसको सॉल्व करके ट्राई कर देते हैं, हाँ या ना. ध्यान से देखिए एक मिनट, चलिए तो ये T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर क्या हो जाता है, ध्यान से देखते हैं. चलिए इसको पहले करके देखते हैं. T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 बटा R3, तो ये 1/27 हो जाएगा, समझ में आ रहा है. तो T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 27 इंटू T1 स्क्वायर, हाँ सही बात है, ठीक है ना. मास में इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दी हुई है, राइट. तो यहां पे T2 की वैल्यू करीबन 720 मिनट आएगी. T1 कितना दिया हुआ है, 90, तो ये कितना आ जाएगा, करीबन 720. क्लियर है. तो ये हमारा आंसर आएगा सी, दिस इज माय आंसर. ठीक है बच्चा जी, चलिए एज यूजुअल हमारा सेशन जो जा रहा है एंड की तरफ जा रहा है. ठीक है बच्चा जी, तो जो स्टूडेंट्स 1 year और 2 year के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2021 एंड 2022, ठीक है बच्चा जी, वो ये कोड को यूज कर सकते हैं इज लाइव टू गेट 10% ऑफ डिस्काउंट. ठीक है, और नीट 2020 की जो एस्पिरेंट्स है वो भी आइए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, प्राइस ड्रॉप हो रहा है और जीरो कॉस्ट कुछ समथिंग है, जरूर आइए बच्चा जी, एक बार देखना जरूर बनता है. ठीक है, दिस आर अवर सिस्टर चैनल्स JEE फाउंडेशन एंड नीट. गाइज इट्स ऑल अबाउट लेट्स क्रैक इट. ठीक है बच्चा जी, ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा, और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा विद द हैशटैग नीट लाइव डेली. ठीक है बच्चा जी, हाँ या ना. और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूज दिस कोड इज लाइव टू गेट 10% ऑफ, इज लाइव टू गेट 10% ऑफ. सो गाइज दिस इज, फिर से इंद्रजीत सर आएंगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ. सो गाइज दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क, राइट. सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड बच्चा जी. सो बाय 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 बाय, सत श्री अकाल एंड नमस्ते, बाय बच्चा जी.